का स्वागत है बीएचयू वर्ल्ड में। हमारे साथ हैं आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र के प्राख्यात प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा सर। हम इनसे जानना चाहते हैं कि सर, कांग्रेस ने कल एक ट्वीट किया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट से, अपने ऑफिशियल साइट से, कि बीएचयू अपना क्रेडिबिलिटी लॉस्ट कर रही है और एक हिंदुत्व और संघ का एक अड्डा बन चुकी है। आज एक प्रोफेसर के भाती से किस तरह से देखते हैं? अब कांग्रेस हिंदुत्व की परिभाषा देने लगे तो उसी तरह की कहावत होती है जैसे स्वान जो है किसी को देख करके भूंगो करे। तो कांग्रेस को हिंदुत्व पर न बोले, नंबर एक, वो हिंदुत्व को जानती ही नहीं है। और कांग्रेस काशी हिंदू विश्वविद्यालय को भी नहीं जानती। काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसी कांग्रेसीकरण का परिणाम नहीं है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये राष्ट्र है और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इसकी स्थापना हुई है। जिसको पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे महान मनीषी ने इसकी स्थापना कर की है, कोई भिक्षाटक कोई किसी से दान मांग के नहीं किया, भीख मांग के किया है। भीख मांगने का मतलब कि समाज को जोड़ के किया है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय वैश्विक समाज का एक विश्वविद्यालय है, उस पर किसी तरह का आरोप, किसी तरह का प्रत्यारोप चल ही नहीं सकता। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तुलना आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से करना चाहते हैं तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तो पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति है और आपके यहाँ तो जिन्ना की मूर्ति लगी हुई है जिसने भारत को बांटा, उसको आप क्यों नहीं हटा रहे हैं? नंबर दो, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हर छात्र, चाहे एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, विकलांग हो, किसी तरह का छात्र हो, वो छात्र है, विश्वविद्यालय परिवार का अंग है। आप अपने यहाँ दलित छात्रों का एडमिशन क्यों नहीं करते हैं? उस पर क्यों नहीं समर्थन करते? तो ये कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है, इसलिए विश्वविद्यालय के बहाने, हिंदूकरण के बहाने, उसके केसरियाकरण के बहाने ये सीधा का सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। विश्वविद्यालय पर हमला करने का साहस न राहुल गांधी को है, न उनके नेहरू को था, न इंदिरा गांधी को था, न राजीव गांधी को था। कांग्रेस के किसी नेता पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर हमला करने का साहस नहीं है, क्योंकि यहाँ की न संस्कार जानते हैं वो, न यहाँ की संस्कृति जानते हैं, न यहाँ का दर्शन जानते हैं। वो सिर्फ ये दर्शन जानते हैं कि हर जगह उनके परिवार का लोगो लगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर सिर्फ और सिर्फ पंडित मदन मोहन मालवीय का लोगो रहेगा, भारत की संस्कृति का लोगो रहेगा, भारत के राष्ट्रवाद का लोगो रहेगा, भारत के संस्कार का लोगो रहेगा, भारत की मेधा का लोगो रहेगा। इसके अलावा काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसी मेधा को स्वीकार नहीं करता और वो वैश्विक है और विश्व को अपना परिवार मान के चलता है, इसलिए इतना मुकाबला करने का साहस किसी को नहीं करना चाहिए। और मेरा निवेदन है यहाँ पे कि अगर राहुल गांधी ने इस तरह का चीज किया तो उनको देर से माफी मांगनी चाहिए। सर, हम जानते हैं कांग्रेस का जो आजादी के पहले का स्वरूप था और जो अभी का स्वरूप है, दोनों में आसमान जमीन का अंतर हो चुका है। सर, आजादी के बाद जो कांग्रेस का नया स्वरूप आया है और उस रूप में हम अगर देखें तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक बहुत कैंपस है, राजीव गांधी साउथ कैंपस, उसके नामकरण के कुछ बच्चे मतलब मांग कर रहे हैं तो उसके नामकरण में बदलाव किया जाए। अगर कांग्रेस इस तरह से ट्वीट करती है, सीधे विश्वविद्यालय को प्रहार करते हुए, या हिंदुत्व का अड्डा होते जा रहा है, तो क्या उस कैंपस का नाम नामकरण में बदलाव नहीं होना चाहिए? राजीव गांधी कैंपस काशी हिंदू विश्वविद्यालय का दूसरा कैंपस बना, वो चाटू कालचा का परिणाम था। पंजाब सिंह ने उसको उसका नामकरण किया था, जो उस समय कुलपति थे। उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने उनके ऊपर दबाव डाल करके राजीव गांधी के नाम के रूप में रखा। राजीव गांधी का क्या संबंध है काशी हिंदू विश्वविद्यालय? वो भी पंडित मदन मोहन मालवीय का है। क्या राजीव गांधी ने जमीन दी है? क्या राजीव गांधी ने उसको बनवाया है? पंडित मदन मोहन मालवीय को जमीन दी है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय के ऊपर राजीव गांधी को स्थापित करना ये कौन सी बुद्धिमत्ता है और उसको देश उतार कैसे कर रहा है? अगर कोई छात्र उसको मांग करता है कि वहां पंडित मदन मोहन राजीव गांधी की जगह पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर बरकछा को रखा जाए, इसमें अपराध क्या है? पंडित मदन मोहन मालवीय का विश्वविद्यालय उनका होना चाहिए और जब तक ये विश्वविद्यालय रहेगा, जब तक पीढ़ियां रहेंगी, पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम रहेगा। उनको कौन हटा सकता? उनको कोई नहीं हटा सकता। ये सिर्फ काशी हिंदू विश्वविद्यालय का राजनीतिकरण करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय तो स्वयं राजनीति का केंद्र है। स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ क्रांतिकारियों की भूमिका रही, स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ गांधी की भूमिका रही, स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ तिलक की भूमिका रही, स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ मालवीय जी स्वयं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनको कौन पढ़ाएगा स्वतंत्रता संग्राम की भाषा? उन्होंने लड़ाई लड़ी, विश्वविद्यालय ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना भारी योगदान दिया। उस योगदान का विश्लेषण आप पहले करिए ना कि हिंदू विश्वविद्यालय, राधाकृष्णन जैसे लोग, आपको याद है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने ब्रिटिश फौज को गेट के सामने रोक दिया था कि हमारे छात्र हमारे अध्यापकों के ऊपर कोई दमनकारी नीतियां न करे, इस विश्वविद्यालय ने किया था।
ये दिल्ली विश्वविद्यालय, यही भगत सिंह रह करके छुपे थे, यही चंद्रशेखर आजाद बिरला हॉस्टल में रह के छुपे थे, यही राम प्रसाद बिस्मिल बिरला हॉस्टल में रह करते थे। ये तो क्रांतिकारी का अड्डा है, ये लोहिया का अड्डा रहा, ये नरेंद्र देव का अड्डा रहा, ये समाजवादियों का अड्डा रहा, ये राष्ट्रवादी बोल वर्कर से लेकर सारे लोग यहाँ से पैदा हुए भारत में। भारत के निर्माण में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। किस विश्वविद्यालय का जी हिंदू निर्माण में भूमिका निभाई है? हिंदू विश्वविद्यालय की अपनी भूमिका है। और राष्ट्र निर्माण जब कोई भी आईटी देश में नहीं था, राज्य का निर्माण हो रहा था, तो विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इस देश को बनाने का काम किया था। आज आईआईटी है, इसका मुकाबला आप क्या करेंगे? सारी संस्थाएं तो बाद में बनी है, यह तो प्राचीन संस्था है, मधुर मनोहर अतीव सुंदर यह संस्था है, प्राची का मेल है ये, इसको आप बदल नहीं सकते। आप आरोप लगा करके अपने मुंह पर काली पोतने का काम कर रहे हैं, कृपा करके अपने मुंह पर काली न पोतें। राज्य की एक धरोहर है, इस राज्य की धरोहर को सम्मान तो करने दें। बहुत धन्यवाद। ये थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के श्री कौशल किशोर मिश्रा सर, और हर बात पे हर मुद्दे पे अपने प्रखर राय रखने के बाद हम इस विश्लेषण में पहुंचे हैं कि सर ने कहा कि आसमान के ऊपर थूकने का यह अर्थ है कि फिर आके आपकी ऊपर पड़ेगा। कांग्रेस का ये चाल लगभग यही इसी के समान है। धन्यवाद।